देश भर में सफाई में नंबर वन बनने के बाद अब इंदौर ट्रैफिक व्यवस्था में भी देश में नंबर वन बन गया है। इंदौर शहर के नंबर वन बनने पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 120 शहरों में सर्वे किया, जिसमें इंदौर ट्रैफिक व्यवस्था में नंबर वन शहर बन गया है। साथ ही शहर के ट्रैफिक आरक्षक रणजीत सिंह को देश में बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। इन अवार्ड्स का वितरण 4 नवंबर को नागपुर में किया जाएगा। बता दें कि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ ही सड़क हादसों की भी राजधानी बन गया था। यहां 2015 में 5873 सड़क हादसों में 444 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पुलिस के प्रयास के बाद सितंबर 2018 तक सड़क हादसों में काफी कमी आई है। सितंबर 2018 तक शहर में 2529 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 245 लोगों की मौत हुई है। पुख्ता यातायात सुरक्षा में इंदौर पूरी तरह से देश में एक नंबर वन स्थान पे आया है। अभी हाल के दिनों में पूरे पिछले एक वर्षों के यातायात को लेकर के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इस बात के लिए 120 शहर जो बड़े बड़े शहर है, जिसपे कि सबसे बड़े महानगर भी है, उसमें यातायात की सुरक्षा को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पे सुरक्षा के जितने भी मानक हो सकते हैं, सुरक्षा में मुख्य तौर पे सुरक्षा कारणों से यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें बढ़ोतरी या कमी आई है, इन बिंदुओं को लेते हुए और साथ साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए, उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 120 शहरों में एक कंपटीशन आयोजित किया गया। और अंत उसका परिणाम यह रहा कि अंतिम चरण तक आते आते इंदौर ने उसमें